एक ब्रिज पर क्रीमिया में अटैक किया गया और यूक्रेन ने बाकायदा उसकी जिम्मेदारी ली। अब उसका बदला शुरू हो गया है। पुतिन ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया है। जी हां, राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ 60 मिसाइलें दागी गई हैं, एक दो नहीं 60 मिसाइलें दागी गई हैं, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव में। रूस ने कीव में कई पुल कई ब्रिज उड़ा दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है और इस वक्त वॉर सायरन बज रहे हैं। लोग अपने बंकरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद ये रूस का जवाबी धमाका है। तस्वीरें आप देखिए, ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि क्रीमिया जिसका 2014 में अधिग्रहण किया था रूस ने, वहां पर एक ब्रिज को निशाना बनाया गया और क्रीमिया में जोरदार अटैक किया गया। यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन रूस ने इसे आतंकी हमला आतंकी कार्रवाई करार दिया। और अब व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का बदला लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए, कई ब्रिज कई पुल यूक्रेन की राजधानी कीव में बनाए गए हैं निशाना। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ताबड़तोड़ हमलों से कैसे यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी सेना ने कीव में कई पुल उड़ा दिए हैं, यानी आने वाले वक्त में यह जंग और ज्यादा विध्वंसकारी होगी। इसके जो नतीजे हैं वो और ज्यादा विध्वंसकारी होंगे, ये आज की तस्वीरों से साफ तौर पर पता चलता है। एक और तस्वीर हमारे पास आई है, वो अब आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष पर।